इमरजेंसी के समय में एम्बुलेंस चालकों ने विशेष ड्यूटी निभाते हुए अपनी भागीदारी निभाई थी, लेकिन उन्हें भुगतान की राशि के लिए अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन द्वारा बीते 2 माह से इन कर्मचारियों से काम लिया जा रहा था, लेकिन अब तक इन्हें वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। नाराज कर्मचारी अधिकारी से मिलकर अपनी पीड़ा जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब अधिकारी इन कर्मचारियों से मिलने से भी गुरेज कर रहे हैं। आज निजी एम्बुलेंस चालक AICTSL ऑफिस में अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों ने कर्मचारियों से मिलने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नाराज ड्राइवरों ने हड़ताल की चेतावनी दे दी। आपको बता दें कि यदि निजी एम्बुलेंस चालक हड़ताल कर देते हैं तो शहर में बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि फिलहाल शहर में कोरोना का संक्रमण कम नहीं हुआ है। अधिग्रहण हुई थी, ये हुई थी करीब 24 या 25 मई को, किसी की 18 मई को करी है अधिग्रहण, किसी की 24 मई को। उसके बावजूद इन्होंने बोला था कि हम पेमेंट इसका करेंगे, आप गाड़ी कोविड में लगाइए। हमने गाड़ी कोविड में लगाई है, उसके बावजूद अब पेमेंट में इशू आ रहा है, आप ये कागज कंप्लीट करिए, आप वो कागज कंप्लीट करिए। तो साहब हम सारे कागज कंप्लीट करके देंगे, लेकिन आप हमें एक चीज बताएं कि आप पेमेंट कब करेंगे।